लेकिन शांतनु हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटा सा रिएक्शन शांतनु मैं इसी पर आपसे चाहती हूँ। अब देखिए, वहां खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे ही देखकर उन्होंने मुस्कुराया या मुझे ही देखकर उन्होंने हाँ अभिवादन मेरा स्वीकार किया, ये कमाल की बात है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले रागी जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति खड़ा खड़ा रोने लगा, वो कहने लगा कि मैं बस भावुक हूं, प्रधानमंत्री मोदी पर मेरा ये विश्वास है, ये कैसे होता है? देखिए प्रधानमंत्री एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, वो एक सालों की मेहनत का, चाहे जो उनकी संघ की ट्रेनिंग हुई है, जो उनकी संगठन में ट्रेनिंग हुई है, वो 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 7 साल प्रधानमंत्री रहे, वो उसका सबका एक नतीजा है। तो जो उन्होंने विश्वास दिखाया है पब्लिक लाइफ में, मेरे ख्याल से वही विश्वास से लोग थाली बजाने लगते हैं, दिया जलाने लगते हैं। मैं अभी यूएस के टूर में था मीनाक्षी, और मुझे पता लगा वहां पे लॉकडाउन लगाना मुश्किल हो गया। वहां यहाँ पे क्या था, प्रधानमंत्री आते हैं 15 मिनट बोलते हैं और पूरा 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 देश घरों में बैठ जाता है, पुलिस की कोई खासी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रधानमंत्री का विश्वास है कि इस व्यक्ति ने जो निर्णय लिया होगा उसमें मनसा तो ठीक ही है, तो वो निर्णय ठीक हुआ नहीं हुआ, उसका परिणाम ठीक हुआ, वो बात की बात है। लेकिन ये जो उनका पर्सनल विश्वास है, जिसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं, जिसको हम कॉन्फिडेंस की कैपिटल कहते हैं, ये कमाई है उन्होंने अपने 20 साल के तो राजनीतिक करियर में, उसके पहले जो संगठन में रहे हैं वो तो। और मैं पता करता हूं भाजपा के लोगों से कि वो हर प्रदेश में कभी चुनाव प्रभारी, कभी संगठन मंत्री, कुछ ना कुछ रह चुके हैं, तो उनके देश की पूरी जानकारी है और जनता की, क्योंकि वो जिस परिवेश से आए हैं उन्हें हर तरह के तबके की के लाइफस्टाइल के जीवन के कठिनाइयों के बारे में पता है। और मेरे ख्याल से जब वो हाथ हिलाते हैं तो जनता अपने आप ही कनेक्ट कर लेती है कि ये कोई एसी गाड़ी में तो बैठे हैं लेकिन ये वहां का व्यक्ति नहीं, इसने हर तरह का जीवन देखा है तो ये हमसे कनेक्ट कर पा रहा है, तो लोग अपने आप जोड़ लेते हैं उनसे अपने आप को। और यही मेरे ख्याल से हम लोगों का हम लोगों के लिए अच्छा लग भी है, अच्छा भाग्य भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सब निर्णय के पास एक बार मैं दोबारा लौटती हूँ। निर्णय, अब आप लोगों से ही उनका रिएक्शन लीजिए, उनसे समझिए कि क्यों वो इतना खुश हो जाते हैं प्रधानमंत्री को देखकर। अब देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हो गए, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना भावुक हो जाना। एक महिला मैंने अभी सुना, वो ये कहने लगी कि मैं अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री को देखना है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह मीनाक्षी है कि लोगों का विश्वास उनमें ज़बरदस्त है। जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है उसको देखते हुए लोग उनकी हर बात को एक तरह से महसूस कर पाते हैं कि इसमें सच्चाई है और ये होकर दिखेगा। शायद इसी वजह से लोग उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, शायद इसी वजह से लोग उनके प्रति, एक मैंने देखा है कि कई जगह पर हमने नोटिस किया है दीवानगी का भाव दिखता है। आप ये बताइए कि ऐसी क्या खास बात है नरेंद्र मोदी में जो इतना नरेंद्र मोदी जी में वो नेतृत्व है जो हम जैसे युवाओं को सिखाता है, एनर्जीवान रहो हमेशा, वो भी हमेशा कितने घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं फिर भी उनके मुंह पे स्माइली देखने को मिलती है और पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी कितने एनर्जी है। कैसे लोग अपना काम धाम छोड़ के सब यहाँ पे घंटों से उनको देख के एकदम एनर्जी आ जाती है और दौड़ने का मन होता है, और देश की जो उन्होंने काम किया है बोलने लायक नहीं है। देश के लिए नरेंद्र मोदी सही है और उनके लिए ही देश चल रहा है अभी हाल में, और उनके लिए 6-6 घंटे 7-7 घंटे लोग खड़े रहते हैं भूख प्यास बिना भी, और सब मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। गुजरात आते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार आया है। जब मोदी जी गुजरात आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार आया है, तो हम उतना उत्साह हो जाते हैं पूरा युवा ग्रुप कि मोदी जी आए उनका स्वागत में चले जाते हैं। हम दो दिन दिवाली जैसे। मीनाक्षी, जिस बात की चर्चा हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, आपको शायद इनके जो वक्तव्य हैं उससे आपको आंसर मिल गया होगा कि चुनावी वर्ष की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी ने आकर के जिस तरह से जमीन तैयार की, जिस तरह से पिछले 48 घंटों में आपने देखा, जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले तक ऐसा नहीं लग रहा था कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। अभी करीब करीब 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन अब आप देखिए कि इस वक्त ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि यदि आज चुनाव की घोषणा हो जाए तो अगले महीने ही इलेक्शन होने वाला है और यही प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। हर्षी, मैं इसी का फिक्र कर रही थी। आप कहने को गुजरात में कांग्रेस भी है, कहने को गुजरात में आम आदमी पार्टी भी है, अन्य दल भी है। अब वो लोग इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतने एक्टिव हो जाते हैं, लगता है कल अगले महीने ही चुनाव होने वाला है, पहला मत पड़ने वाला है। देखिए, यही सबसे बड़ी USP इधर है और उधर सबसे बड़ा संकट यही है। यहाँ छुट्टी जैसी चीज नहीं होती है, या पता नहीं, हो सकता है मोदी जी को ये
इस तरह की चीज़ें राजनीति में 24/7 काम करना, यही छुट्टी लगता हो, और दूसरी तरफ छुट्टी चाहिए ही चाहिए, छुट्टी के बिना कैसे आप चुनाव में लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक डिफरेंस है। और जब आप इंतजार करते हैं कि कोई आपके लिए प्रोग्राम तैयार करेगा, कोई एक इवेंट होगा वहां जाएंगे, और दूसरा कोई है जिसके जाने से इवेंट बन जाता है, जिसके जाने से प्रोग्राम तैयार हो जाता है, क्या गुजरात की यूनिट को यह दबाव नहीं रहेगा कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेता इस तरह से है तो इतना काम तो करके दिखाना ही पड़ेगा। अब क्या कांग्रेस की यूनिट पर राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का या किसी और का इस तरह का दबाव है क्या? ये जो प्रेशर काम करता है वो कई बार आपको समय से, जिसको कहते हैं फैसले लेने के लिए तैयार करता है, कई बार समय से वो काम करने की बात कर देता है जो समय से आगे का होता है, और दूसरे लोग उसमें पीछे छूट जाते हैं। ये विपक्षियों की बड़ी समस्या है जिसका लाभ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। मैं इसी कमजोरी की बात रागी जी कर रही थी जब मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, विपक्ष की कमजोरी ये है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही है, और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में करके फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जीत हासिल करेंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। अब देखिए, नामुमकिन, मैं फिर कहती हूँ, कोई इम्पॉसिबल इट्सेल्फ आई एम पॉसिबल, लेकिन उसे पॉसिबल बनाने के लिए भी फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैं इन तस्वीरों को बयां कर दूं, फिर मैं आपके पास आती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत करने के लिए अलग अलग जो 17 ऐसे मंच तैयार किए गए जहां पर लोग उनका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन आज वो ओपन जीप में नहीं है और गाड़ी से बहुत ज्यादा वो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, पर गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमे है और वो खुद मैं जैसा कि देख पा रही हूं, समझ पा रही हूं कि अपनी गेट पर ही वो खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब आप उनकी उम्र भी देखें, अब उनका जोश भी देखें, गाड़ी पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने का उनका जज्बा भी देखें, और यही मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाता है। रागी जी, देखिए एक चीज़ है जो राजनीति में जो पॉलिटिकल संप्रेषण की बात है, पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल संप्रेषण कह लीजिए, वो एक अद्भुत है। नरेंद्र मोदी जैसी पकड़, शांतनु कह रहे थे, कोई एक नेता बता दीजिए जो कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता हो कि जो जिन लोगों के हाथों में पैसे हैं वो जो है वो सिलेंडर छोड़ दें, गरीबों के लिए छोड़ दें, और पता लगे कि करोड़ों करोड़ लोग जो हैं वो सिलेंडर का परित्याग कर देते हैं, गरीब जनता के लिए परित्याग कर देते हैं। ये जो कनेक्ट है वो बहुत बिरले देखा जाता है, खास करके आज की राजनीति में। ये तभी होता है जब आपके पास, आपके पीछे कोई नैतिक ताकत हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जिसका जिक्र चल रहा था, बड़ा उसे मैं दूसरे 7 साल में दिया, आप देखेंगे कि जितने जितने राजनैतिक मुहावरे नरेंद्र मोदी ने दिया है, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने वो राजनीतिक मुहावरे नहीं दिए। बेटी बचाओ अभियान हो, सबका साथ सबका विकास हो, ऐसे तमाम आप देखिए, आप उनको नारों के तौर पर मत देखिए, वह एक राजनैतिक विचार है, और उस राजनैतिक विचार को वो नीतियों में परिणत करते हैं, और फिर नीतियों का उसको कार्यान्वयन में ढालते हैं, और फिर ये इंश्योर करते हैं कि, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूँ, मुझे किसी एक नीति आयोग के ही एक व्यक्ति ने कहा, बताया इस चीज़ को, कि जब अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे थे तो लोग कह रहे, उन्होंने स्लाइड्स दिखा रहे थे और उन्होंने कहा ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा जरा साहब पीछे से स्लाइड जरा दिखाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसका नाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रखिए। तो ये जो विचार है, ये नयापन है, ये ग्लास आधा खाली और आधा भरा का फर्क, बॉक्स थिंकिंग। देखिए आप किसी नेता का आप उनका इमेज असैसिनेशन करने की आप तमाम कोशिश किया है, कई मीडिया संस्थानों ने भी किया है, कई पत्रकारों की एक बहुत लॉबी है उन लोगों ने किया है जो उनको दूसरे रंगों में ढालते हैं, लेकिन जरा आप देखिए कि ऐसे राजनैतिक विचार क्या किसी नेता ने या किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का दिया है क्या? इतने बड़े भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।